हाय गाइस, वेलकम टू 2024। नया साल आ चुका है। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ साल का पहला 3D न्यूज़ का एपिसोड और तीसरा हमारी सीरीज का 3D न्यूज़ का एपिसोड इज हियर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। मैं सभी के यहाँ पे कमेंट्स केयरफुली पढ़ रहा हूँ। जो भी आपका फीडबैक है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। एंड बिफोर आई स्टार्ट, मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लेट मी नो कि ये जो न्यूज़ सीरीज है इसकी टाइम लिमिट मैं क्या रखूँ। Should it be under 10 minute या फिर 10 to 15 minute के बीच में, या 15 minute के ऊपर भी हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि कुछ कुछ important news रहती है या कुछ कुछ important segments रहते हैं। I am trying to add new things, तो थोड़ा यहाँ पर time लग जाता है। But if you want कि इसको यहाँ पे crisp रखा जाए, short रखा जाए, तो do let me know that in the comment section below। तो बिना किसी delay के शुरुआत करते हैं हमारे पहले segment से, जो होता है AI news के ऊपर। पहली मेजर अपडेट यहाँ पे गूगल की तरफ से आ रही है। गूगल ने यहाँ पर अपना वीडियो LLM को लॉन्च कर दिया है रिसेंटली, जिसका नाम है वीडियो पोएट। बेसिकली जैसे मिड जर्नी होता है, आप प्रॉम्प्ट डालते हो, आपकी इमेज बन जाती है। यहाँ पर आप लोग प्रॉम्प्ट डालोगे, आपका वीडियो बन जाएगा। तो आपने डाला कि टू पांडास प्लेइंग कार्ड्स, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। आपको कोई स्टिल इमेज है, स्टिल इमेज पर आपको कुछ एनिमेशन डालना है। फॉर एग्जाम्पल मोनालिसा की इमेज है, आपने उसमें कहा कि मेक हर योनिंग, तो फिर वो इमेज पे वो वाला एनिमेशन इफेक्ट लग जाएगा। या फिर आपको एक कोई कैमरा एंगल्स देने हैं अपनी किसी स्टिल इमेज पे, तो ये सारी चीज़ें वीडियो पोएट की हेल्प से यहाँ पर हो पाएगी। गूगल ने इसको रिसेंटली यहाँ पर रिवील किया है। हालांकि अभी तक इसका पब्लिक वर्जन अवेलेबल नहीं है, हम लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे, बट दिस इज समथिंग दे आर वर्किंग ऑन एंड बहुत जल्दी आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। अगली मेजर अपडेट भी यहाँ पे गूगल से आ रही है। गूगल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो गया है आफ्टर दैट ChatGPT एंड एवरीथिंग। तो अब यहाँ पर आ रहा है जेमिनाई की तरफ से। जेमिनाई इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया है। जेमिनाई क्या है, ये बेसिकली टेक्स्ट को समझ सकता है, कोडिंग को समझ सकता है, वीडियो ऑडियो फोटोज़ सबको ये यहाँ पर समझ सकता है, एंड देन उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। एग्जैक्टली ये कैसे काम करेगा उसका मैं अभी आपको यहाँ पे शॉर्ट वीडियो देता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। The fingers are spread out to look like the wings of a butterfly. What's this? Big ear and barking mouth, a dog. Sweet! The coin should be under the right hand. I don't know. The coin is in the left hand, using a sleight of hand technique to make it appear as if the coin has disappeared. Now the problem with this is ki jo bhi abhi bataya hai video mein, wo real time abhi kaam nahi kar raha hai. Usme kaam kar raha hai, lekin wo time lega. इतनी जल्दी नहीं बताएगा जितनी जल्दी हमें वीडियो में बताया है। प्लस इट वाज बेस्ड ऑन अल्ट्रा वर्जन ऑफ जेमिनाई, और अभी तक अल्ट्रा वर्जन यहाँ पर आउट नहीं है। सिर्फ आप लोग अभी तक प्रो वर्जन यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वर्जन के लिए यू माइट हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स। अगली अपडेट यहाँ पे बाइट डांस को लेकर के आ रही है। बाइट डांस जो कि टिकटॉक की ओनर है, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी चालाकी से अभी एक चीज़ करी है। वो ये किया है कि जो ओपन AI की API थी, जिस पे ChatGPT बेस्ड है, जो उनकी API है, उसको लेकर के वो अपना ही एक अलग लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर रहा है और ओपन API का कॉम्पिटिटर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब डेटा भी वहीं से ले रहा है और कॉम्पीट भी उन्हीं को करने वाला है। तो दैट्स ऑब्वियसली अगेंस्ट देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। एंड रिसेंटली इसी के चलते ओपन AI ने API अकाउंट जो बाइट डांस के थे वो सब यहाँ पे बंद कर दिए हैं। अगली मेजर अपडेट यहाँ पे मिड जर्नी के V6 वर्जन को लेकर के आ रही है, जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। एंड द मेन डिफरेंस हियर इज कि यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग में काफ़ी कुछ डिफरेंट किया गया है। पहले जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ वेक प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करते थे, जैसे फोटो रियलिस्टिक, .4K, .8K, अवार्ड विनिंग सिनेमैटिक, अब उन सब का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग के लिए उन्होंने कुछ कोड्स बना दिए हैं कि अगर आपको ऐसा चाहिए, ज़्यादा आपको रॉ इमेज चाहिए, तो स्टाइल यूज़ करो एंड देन यहाँ पे रॉ यूज़ करो। तो जैसे कोडिंग होती है, अगर आपने कभी कोडिंग करी हो तो यू हैव टर्म्स की वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करना है, वैसे तरीके से यहाँ पर यू विल हैव दी स्पेसिफिक टर्म्स कि अगर आपको स्टाइलाइज करना है तो स्टाइलाइज यूज़ करो, देन वहाँ पर अमाउंट डालो। तो धीरे धीरे यहाँ पर भी वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ला रहे हैं। तो प्रॉम्प्टिंग का गेम यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज होने वाला है, स्पेशली फॉर इमेजेस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिड जर्नी वर्जन 6। ये अभी अल्फा में लॉन्च किया गया है, बहुत जल्दी इसका बीटा वर्जन भी आ जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पे अमेजोन के ChatGPT को लेकर के आ रही है, जो कि इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया है उसका एक प्रीव्यू वर्जन, जिसका नाम है अमेजोन क्यू। ये मोस्टली है एंटरप्राइजेस के लिए एट प्रेजेंट। जैसे यहाँ पर इफ देयर इज अ कंपनी और उनको जानना है कि कस्टमर का क्या पैटर्न है, तो दे कैन सिंपली आस्क कि कस्टमर का क्या पैटर्न है, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर कोई ट्रेनिंग डॉक है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो एक्सप्लेन करो। तो इट इज़ मोस्टली फॉर एंटरप्राइज यूज राइट नाउ, बट काफ़ी पावरफुल है। अमेजोन के पास जो डेटा है एट प्रेजेंट, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट
पावरफुल डेटा राइट नाउ, परचेज का डेटा है, किसके पास कौन से डिटेल्स है, कौन सा पेमेंट मेथड है, क्या पैटर्न है उनका, उस सारे डेटा को लेकर के अमेजोन क्यू इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल आई थिंक. प्लस इट्स गोइंग टू गेट इंटीग्रेटेड विथ अमेजोन सर्विसेज वेरी सून, जैसे कि AWS हो गया, अमेजोन के जितने भी आपको ऑडिबल एंड अमेजोन पे आपको ये इंटीग्रेटेड किसी ना किसी फॉर्म पे फ्यूचर में मिलेगा ही. प्लस जो एलेक्सा है, विथ दिस एंड एलेक्सा एंड अमेजोन क्यू इट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल आई थिंक. अब यहाँ पर एक नया सेगमेंट हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है AI टूल ऑफ द मंथ. यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर AI का टूल हम लोग ले लेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, एंड वी विल ट्राई टू गिव यू अ क्विक एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट. तो इस महीने का जो टूल है वो है ऑडियो बॉक्स. ये फेसबुक की तरफ से आता है, मेटा की तरफ से आता है, एंड ये उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे लॉन्च किया गया है, बीटा वर्जन में है फिलहाल, और अभी इसका कोई पेड वर्जन नहीं है. इट इज़ जस्ट टू शो कि AI की यहाँ पे क्या पावर है रिगार्डिंग द ऑडियो सेगमेंट. तो यहाँ पर आप लोग अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो. यू कैन यूज़ अ सैम्पल हियर, कोई भी यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करके, एंड देन यू कैन हैव अ पैराग्राफ कि ठीक है इस वॉइस के बेस पर आप ये बोलो. तो यहाँ पर आप अपनी वॉइस फीड करके उससे कुछ भी बुलवा सकते हो. तो बेसिकली यहाँ पे वॉइस का डीप फेक यू कैन डू दैट. फिर डिस्क्राइब वॉइस, इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब अ वॉइस कि एक वॉइस कैसी आनी चाहिए, यहाँ पर आपको वो उस तरह की वॉइस को जनरेट करके दे देगा बेस्ड ऑन द things that you have described here. AudioBox is a new foundational research model for audio generation. So, अच्छी वॉइस दे देता है, मैंने इसको काफी एक्सपेरिमेंट किया है. एंड रीस्टाइल, यू कैन चेंज द स्टाइल ऑफ द वॉइस की किस तरह से यहाँ पे जानी चाहिए, मिडिल एज मैन, यू कैन क्रिएट योर ओन साउंड इफेक्ट्स. तो ओवरऑल काफी अच्छा प्रोडक्ट है, जाके टेस्ट करो, इम्प्रूव योर AI स्किल्स. अभी फ्री है, आराम से इसको यूज टू हो जाओ बिफोर इट गोज इन टू मेन स्ट्रीम. अब चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट के ऊपर जो कि है ब्लॉगिंग और SEO न्यूज. तो सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पैरासाइट SEO को लेकर के. जिसको नहीं पता है, आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट उसको लेकर के काफ़ी अभी वॉलेटिलिटी है मार्केट में. एंड जैसे अभी यहाँ पर एक बेस्ट VPN का आर्टिकल था, किसी ने ट्विटर पर कंप्लेन किया कि हार्वर्ड के सबडोमेन पे बेस्ट VPN का आर्टिकल है और वो रैंक कर रहा है, क्या चीज़ है ये. तो फिर गूगल ने यहाँ पर उसका रिप्लाई किया कि काफ़ी वो अनफॉर्चुनेट है एंड दे आर लाइक लुकिंग इन टू इट, और इसके लिए स्टेप्स भी वो ले रहे हैं. तो पैरासाइट SEO के लिए यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, गूगल ने ऐसा कहा है. प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि दिस इज़ नॉट द टर्म दैट दे यूज़ इंटरनली. वो पैरासाइट SEO को इंटरनली यही यूज़ करते हैं, वो उसके लिए कोई एक डिफरेंट टर्म का यहाँ पे सोच रहे हैं यूज़ करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर उन्होंने अपनी गाइडलाइंस पे भी कुछ चेंजेस करे हैं कि जो भी थर्ड पार्टी कॉन्टेंट अगर कोई भी होस्ट कर रहा है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो उसको चेक करें वो काम का है कि नहीं और हेल्पफुलनेस है कि नहीं है. तो पैरासाइट SEO का जो फ्यूचर है वो अभी तो चल रहा है, फ्यूचर पर पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा. नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे वेबसाइट ओनर्स के लिए है. जो लोग भी यहाँ पे गूगल का सर्च कंसोल रिपोर्ट्स यूज़ करते थे तो उसमें पहले एक मोबाइल यूजेबिलिटी की रिपोर्ट होती थी, अब वो बंद हो चुका है. मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट टूल बंद हो चुका है, उसकी API भी यहाँ पे बंद हो चुकी है. गूगल ने यहाँ पे ऑफिशियली इसको क्लोज कर दिया है. वॉट यू कैन यूज़ इट कि इंस्टेड यहाँ पे लाइट हाउस यूज़ कर सकते हो. लाइट हाउस क्या है, इंस्पेक्ट पे जाओगे यहाँ पर एंड यू विल गेट दिस लाइट हाउस. तो इसको यूज़ करके यू कैन टेस्ट इट आउट. अगली अपडेट यहाँ पर एक मेजर वेब होस्टिंग कंपनी को लेकर के है जिसका नाम है किंस्टा, जो कि काफ़ी पॉपुलर है. वहाँ पे रिसेंटली अभी एक फिशिंग स्कैम चल रहा है कि जो भी किंस्टा की वेबसाइट को विजिट कर रहा है उनके व्यूअर्स को यहाँ पर एक ऐड दिखाई दे रही है, और जो ऐड पर क्लिक कर रहा है उनको एक फिशिंग साइट पर लेके जाया जा रहा है. एंड देन वहाँ पे दे यूज टू एंटर क्रेडेंशियल्स या जो भी चीज़ है, और देन उसके थ्रू किंस्टा की वेबसाइट्स को टेक ओवर किया जा रहा है. तो मेक श्योर अगर आपको कोई ऐड दिखाए उस पर क्लिक कर सकते हो, आप लोग क्लिक करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जाओ तो पहले एक बार URL चेक कर लेना कि वो URL करेक्ट है कि नहीं है, और डिज़ाइन सिमिलर है कि नहीं है. मतलब डिज़ाइन सेम ही होनी चाहिए जो उसकी ऑफिशियल होम पेज पर है. ऐसा नहीं कि कलर थीम वगैरह चेंज हो रहा हो या कुछ भी, कस्टमाइजेशन अलग नहीं होना चाहिए. बट जो मेन चीज़ है URL देखो, URL अगर सेम है तो फिर यू कैन कंटिन्यू विद दैट वेबसाइट. नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो आपके क्रेडेंशियल्स को यहाँ पर स्टील कर ले. अब चलते हैं हमारे फोर्थ सेगमेंट के ऊपर जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं. सबसे पहली मेजर अपडेट आ रही है ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स के लिए, या वो लोग जो कुछ भी ऑनलाइन अभी सेल कर रहे हैं इंडिया में, उनके लिए काफ़ी मेजर अपडेट है. वो ये है कि रेजर पे ने यहाँ पर अपनी ऑनबोर्डिंग को स्टार्ट कर दिया है. अभी तक क्या था, रेजर पे आप लोग नए अकाउंट्स नहीं बना सकते थे, RBI ने उनको बैन कर दिया था अलॉन्ग विद Paytm और 3-4 और प्रोवाइडर्स थे जिनके साथ उन्होंने बैन कर दिया था उनको. अभी रिसेंटली RBI ने लाइसेंस इशू कर दिया है, PA लाइसेंस उनको मिल गया है, RBI ने उनको अनब्लॉक कर दिया है. तो अब ऑनबोर्डिंग हो रही है, मीन्स नए ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स और रेजर पे का अकाउंट बना सकते हो, UPI से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो. सो दैट्स अ बिग एंड गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन आउट देयर.
रेजर पे के साथ यहाँ पर एक और पेमेंट गेटवे था कैश फ्री, दोनों को यहाँ पर अनब्लॉक कर दिया है, बट अभी तक यहाँ पे पेटीएम एंड पेयू इंडिया अभी तक अनब्लॉक नहीं हुए हैं, होपफुली वो लोग भी जल्दी हो जाएंगे। अगली मेजर अपडेट यहाँ पे लाइट स्पीड के कैशअप प्लगइन को लेकर के आ रही है। इफ़ यू आर अ वर्डप्रेस यूजर, लाइट स्पीड यूज़ करते हो तो यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है V6 वर्जन में इसके, वो ये है कि यू कैन प्री लोड फीचर इमेज। एट मीन्स आपकी फीचर इमेज यहाँ पे पहले ही लोड हो जाएगी जब आपका पेज लोड होने वाला होगा, उससे आपका जो पेज स्पीड स्कोर है उस पर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगली मेजर अपडेट यहाँ पे मिक्की माउस को लेकर के आ रही है। अगर आपको पैसे कमाने थे मिक्की माउस से, ड्राइंग बेच के, उसकी टी शर्ट्स पे प्रिंट करा के मिक्की माउस, या फिर मग्स बेच के, या स्टिकर्स या कुछ भी बेच के मिक्की माउस के थ्रू, तो नाउ यू कैन ऑफिशियली डू दैट बिकॉज मिक्की माउस यहाँ पर अब आ चुका है पब्लिक डोमेन पे। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे वर्जन मिक्की माउस के नहीं आए, जो सबसे पहला वर्जन था मिक्की माउस का जो 1928 में जिसने डेब्यू किया था और वो डिज्नी का मैस्कॉट भी था, वो यहाँ पे पब्लिक डोमेन पे आया है, तो यू कैन यूज दैट टू मेक मनी नाउ। नाउ कमिंग ऑन टू द फिफ्थ मेजर सेगमेंट विच इज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी एंड VPN न्यूज। दो इंपॉर्टेंट न्यूज है इस महीने की यहाँ पर। पहली ये है कि BSNL के यूजर्स का यहाँ पे डेटा लीक हुआ है, अराउंड 32,000 फोन लाइन से जिनके यहाँ पे डिटेल्स, ईमेल, उनका पेमेंट पैटर्न क्या है, कब कब पेमेंट किया है, कौन कितना ड्यू है, किसने कितनी की पेमेंट करी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लीक हो चुकी है। कांट डू मच अबाउट इट, डू लेट मी नो वैसे अगर आप BSNL यहाँ पे यूज़ करते हो लैंडलाइन या फिर फाइबर, सिर्फ उनका डेटा यूज़ हुआ है, जो मोबाइल यूजर्स है उनका नहीं, बट लैंडलाइन और जो इंटरनेट यूजर्स है उनका डेटा। अगली मेजर अपडेट यहाँ पे VPN को लेकर के आ रही है। रिसेंटली यहाँ पर गूगल ने फेक VPN एक्सटेंशन जो होते हैं क्रोम स्टोर के ऊपर, वहाँ पर उनको काफ़ी सारे VPNs को यहाँ पे रिमूव किया है, जो कि अराउंड इम्पैक्ट कर रहे थे 1.5 मिलियन यूजर्स को। देखो VPN एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप लोग VPN यूज़ कर रहे हो फॉर एनी रीज़न, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग डिसेंट VPN। फ्री में भी अच्छे ऑप्शन है, पेड में भी अच्छे ऑप्शन हैं, तो चाहो तो भाई के वीडियोस देख सकते हो, मैं कवर करता रहता हूँ VPNs के बारे में, या फिर अपनी रिसर्च करके भी देख सकते हो कि कौन सा एक्चुअल में अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आते हैं हम लोग हमारे अगले सेगमेंट के ऊपर, जो कि है मार्केटिंग इवेंट्स को लेकर के, कि अब कौन कौन से यहाँ पे इवेंट्स होने वाले हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर, मैं कौन से अटेंड करने वाला हूँ, सब कुछ बताऊँगा इस सेगमेंट के अंदर। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एफिलिएट वर्ल्ड दुबई से। ये अभी होने वाला है 28-29 फरवरी को, एंड रिसेंटली मैंने यहाँ पे एफिलिएट वर्ल्ड एशिया बैंकॉक अटेंड किया था, उसके मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, रील्स बनाई हैं, नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम चेक कर लो, मेरा पुराना वीडियो देख लो एफिलिएट वर्ल्ड का, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिल जाएगा एंड यू कैन डिसाइड कि दिस इज समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन और नॉट। अब यहाँ पे एक और मेजर अपडेट है वर्ल्ड कैंप एशिया से, ये हो रहा है March 7th-9th को, तो यू कैन गो टू दिस इवेंट ऑल्सो इफ़ यू आर इनटू वर्डप्रेस, SEO, ब्लॉगिंग या फिर एजेंसी है आपकी, तो ये आपके लिए एक अच्छा इवेंट हो सकता है। वर्ल्ड कैंप एशिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड कैंप्स आउट देयर, दिस इज़ वन ऑफ द इवेंट्स दैट यू कैन गो एंड अटेंड। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंप नेपाल, ये अभी हो रहा है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड 12-13 को आपको नेपाल जाना है, घूमना है, अटेंड करना है, तो यू कैन जस्ट गो देयर, इसकी भी अभी टिकट्स लाइव है, इन तीनों की यहाँ पर अभी आपको टिकट्स मिल जाएगी। लास्ट मोमेंट पे शायद से आपको एफिलिएट वर्ल्ड दुबई की टिकट काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाए और वर्ल्ड कैंप एशिया की टिकट्स लास्ट मोमेंट तक सोल्ड हो जाती है, तो इफ़ यू आर प्लानिंग यू शुड प्लान राइट नाउ। उसके बाद यहाँ पर है नेम्सकॉन, ये US में हो रहा है June 5 को, इफ़ यू आर इनटू डोमेन इन्वेस्टिंग करते हो तो नेम्सकॉन इज द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस आउट देयर फॉर दैट। एंड देन वी हैव AdTech, इंडिया में कोई कॉन्फ्रेंस देख रहे हो तो AdTech आपको एक अच्छी कॉन्फ्रेंस मिल सकती है, यहाँ पर आपको एफिलिएट्स और डिजिटल मार्केटर्स, यहाँ अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड कॉन्फ्रेंस फॉर यू। इनका यहाँ पे विजिटर्स पास काफ़ी जल्दी आने वाला है एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी फ्री इफ़ यू गो टू दैट, और यहाँ फिर अगर आपको ऑल एक्सेस पास चाहिए तो वो भी देख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा महंगा है मेरे हिसाब से। डू लेट मी नो इफ़ यू आर प्लानिंग टू अटेंड एनी ऑफ दीज इवेंट्स, मेरा अभी कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं अगर कुछ बनेगा तो आई लेट यू नो गाइज हियर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर। नेक्स्ट सेगमेंट जो है हमारा वो है टिप ऑफ द मंथ का। इस महीने की टिप ये रहेगी कि रेगुलर बैकअप्स लेना सीखो, या तो आप एक ऐसा होस्टिंग प्रोवाइडर लो जो कि आपको रेगुलर बैकअप दे रहा हो और ऑफ सर्वर बैकअप हो, उसी सर्वर पे आपका बैकअप नहीं होना चाहिए जिस सर्वर पे आप लोग होस्टिंग ले रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सस्ती होस्टिंग के चक्कर में ऐसी होस्टिंग ले लेते हैं जो आपको बैकअप ही नहीं दे रहा है, यहाँ सिर्फ 7 दिन का बैकअप दे रहा है। यूजुअली बैकअप आपका यहाँ पे एटलीस्ट 21 डेज का होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर कभी कोई आपकी वेबसाइट पर हैक कर ले, कुछ वायरस आ जाए, कुछ डिज़ाइन चेंजेस हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी वजह से आपको रिवर्ट बैक करना पड़े, तो बैकअप्स काफ़ी असेंशियल हो जाते हैं। इन केस आपके वेब होस्टिंग प्रोवाइडर आपको बैकअप्स नहीं दे रहे, तो यू कैन यूज़ अ सर्विस सच एज अपड्राफ्ट प्लस, ये फ्री में आपको बैकअप्स क्रिएट करके दे देगा ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट, इसका भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया, इफ़ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट।
बट बॉटम लाइन इज बैकअप्स को यूज करो, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको निग्लेक्ट मत करो. आज ही जाके देखो कि आपके बैकअप्स है कि नहीं है और रीस्टोर कितने इजीली हो रहे हैं. पता चला वो बैकअप्स तो बना के रखे लेकिन रीस्टोर ही नहीं हो रहे हैं आपके. तो दोनों चीज को यहाँ पे चेकआउट करो. अब चलते हैं डील्स ऑफ द मंथ के ऊपर. अभी जो रिसेंटली डील्स चल रही है मैं उसके बारे में आपको क्विकली यहाँ पे बता देता हूँ. पहली यहाँ पे गेट रिस्पॉन्स है. इफ़ यू आर इन टू ई मेल मार्केटिंग, आपको ई मेल मार्केटिंग स्टार्ट करना है तो यू कैन गो विद देयर प्लान्स. अभी यहाँ पर आपको अप टू 30% का ऑफ मिल जाएगा. ये सिर्फ मेरे नीचे दिए गए लिंक के थ्रू मिलेगा. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड चले जाओ. ये January 7th तक वैलिड है. नेक्स्ट है यहाँ पर WP इंजन. यहाँ पर भी इनका अभी काफ़ी अच्छी डील आ गई है न्यू ईयर के लिए. ये January 15th तक वैलिड रहेगा. तो आपको जिनका स्टार्टअप वाला प्लान है वो $180 में मिल जाएगा. एंड फॉर दैट प्राइस पॉइंट WP इंजन यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यूजुअली जो इसका ओरिजिनल प्राइस पॉइंट रहता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बट अभी जो ऑफर चल रहा है इट इज़ वेरी गुड फॉर द स्टार्टअप प्लान. $180 फॉर WP इंजन इज वर्थ इट, यू कैन गो विथ इट. या अगर आपके कम यूजर है सिर्फ चेक वगैरह करना है तो लाइट वाला प्लान भी देख सकते हो. नेक्स्ट डील है यहाँ पे पैबली की तरफ से. पैबली का अगर आपको लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए तो अभी यहाँ पर इस पे एक ऑफर चल रहा है ऑन देयर लाइफ टाइम डील. यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. ये जेपियर का काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है एंड आई रियली लव दिस प्रोडक्ट. पैबली यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हुआ है ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स. नेक्स्ट यहाँ पर है AppSumo की डील. AppSumo पे जो एक डील मैं रिकमेंड करूंगा वो रहेगी ब्लेज ट्रांसफर की. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वी ट्रांसफर ऑल्टरनेटिव, अगर आप लोग यहाँ पे फाइल्स को ट्रांसफर करते हो, वीडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स, तो फिर यहाँ पे इसकी तरफ देख सकते हो आप लोग. यू कैन गो विद देयर सिंगल कोड प्लान. आपको 30 डे का रिटेंशन मिल जाएगा. ट्रांसफर स्पीड्स इसकी अच्छी है इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ब्लेज ट्रांसफर बोल रहा हूँ. क्लीन इंटरफेस है. वी ट्रांसफर का एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है फॉर दिस प्राइस पॉइंट. यू शुड चेक दैट आउट. और रिफंड पॉलिसी आपको सभी में मिली जाएगी. इन केस यू आर नॉट इंटरेस्टेड रिफंड आप लोग ले सकते हो. सो यहाँ पर मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर दिया है. डू लेट मी नो वॉट आर योर ओपिनियंस अबाउट दिस सीरीज इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल वंस अगेन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.